आईडीबीआई से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने वाले, जिसके बाद कार और बाइक खरीदना होगा महंगा। आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग खत्म। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ऐलानों को मिली मंजूरी की जानकारी दी। बैठक में पावर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए गए। आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा, इन्फॉर्मेशन हाईवे पर हर गांव तक पहुंचे इस देश में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बुधवार को कहा, कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं, सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वो मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइन तय करे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर जारी। कुलगाम के चिमेर इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से एनकाउंटर शुरू हुआ। अब तक 2 आतंकवादी मारे गए, इनकी पहचान अब भी नहीं हो पाई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,641 नए मरीजों की पहचान। 60,258 ठीक। 816 लोगों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 78 दिनों में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे कम। इससे पहले 12 अप्रैल को 880 लोगों ने इस महामारी से तोड़ा था दम। मंगलवार को एक्टिव केस में 15,438 की कमी। अब 5,31,000 मरीजों का इलाज जारी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के स्टडी में आया सामने। एनआईएच ने कोवैक्सीन ले चुके लोगों के ब्लड सीरम पर 2 स्टडी की थी, जिनमें पता लगा कि ये वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम। ब्रिटेन में करीब 5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। यहाँ 22,868 नए मरीज, जबकि इसी साल 30 जनवरी को 23,108 नए मरीज मिले थे। ब्रिटेन में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,07,776 हो गई। दूसरी ओर स्कूली छात्रों के सेल्फ आइसोलेशन से भी सरकार की चिंता बढ़ी। दुनिया के पूर्व नंबर 1 और 8 बार के विंबलडन चैंपियन रोजर फेडरर ने चौथे सेट के अंत में चोट के कारण अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी एड्रियन मन्नी रेनो के बाहर होने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश किया। 39 वर्षीय जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, उन्होंने पहला सेट 6-4 जीता, लेकिन वो दूसरा और तीसरा सेट क्रमशः 7-6 और 6-3 से हार गए। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में आज भी गिरावट देखी जा रही। मंगलवार के मुकाबले आज यानी बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 235 रुपए गिरकर 46,773 रुपए पर खुली। चांदी 59 रुपए कमजोर होकर 67,747 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से खुले। घरेलू शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ खुले, लेकिन उसने अपनी बढ़त को दोपहर बाद के सत्र में पूरी तरह खो दिया। कारोबार बंद होने पर बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर के लगभग 400 पॉइंट नीचे रहा। सेंसेक्स 67 पॉइंट यानी 0.13% की कमजोरी के साथ 52,483 पॉइंट पर हुआ बंद।